ओफो, कितनी देर से घंटी बज रही है। अरे कोई खोलेगा दरवाजा? इस घर में हर काम मुझे ही करना पड़ता है। आ रही हूँ दरवाजा खोलने। कमला, कहाँ रह गई थी कमला? अब मैं ऑफिस के मीटिंग्स अटेंड करूँ या खाना बनाऊँ? कल ही तनख्वाह ले गई थी ना, मुझे लगा कहीं काम तो नहीं छोड़ गई। अरे क्या हुआ, रोने क्यों लगी? अरे मैंने डांटा थोड़ी ही है, मैं तो थोड़ा परेशान हूँ कमला, कब से सर भी फटा जा रहा है मेरा। अच्छा चल, अब ये रोना धोना बंद कर और ये बता रो क्यों रही है? दीदी माफ कर दो, कल तकलीफ हुई आपको। कोई बात नहीं कमला, वो मेरे घर वाले ने रिक्शा खरीदा था ना? हाँ हाँ। उसकी किश्त जमा होती है रानीगंज में 7 तारीख को। अच्छा। पूरे 3.5 घंटे लगे, मर गई मैं। हर बार किश्त देने मेरा घर वाला ही जाता है आधे दिन की छुट्टी करके, इस बार बुखार में तप रहा है। और दीदी अगर आज किश्त ना देती तो रिक्शा उठा लेते हमारा। अरे तो पैसे देने के लिए हर महीने इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, UPI से भेज दिया कर ऑनलाइन। UPI से ऑनलाइन? अब ये क्या बला है दीदी? मतलब ये कि 1 मिनट से भी कम में पैसा पहुंच जाएगा, चाहे रानीगंज हो या फिर मुंबई। 1 मिनट से भी कम में? वो कैसे दीदी? बस एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और तुम्हारे बैंक खाते में पैसा होना चाहिए, फिर बहुत आसान है पैसे का डिजिटल ट्रांसफर। सिखा दो ना दीदी UPI, घर वाले के पास स्मार्टफोन है पर खाली टाइम में बस पिक्चर ही देखता रहता है। ये ना हुआ कि UPI से पैसे भेजना ही सीख ले। मैं लाऊंगी फोन कल से। ठीक है, पूरा स्मार्टफोन यूज करना सिखा दूंगी तुझे। अब से मैं तेरी तनख्वाह भी ऑनलाइन तेरे बैंक में ही भेजूंगी, बस तू छुट्टी मत किया कर। अच्छा मेरी डिजिटल दीदी, नहीं करूंगी छुट्टी। ठीक है ठीक है।